स्वागत है गेम ऑनलाइन चैनल में। तो भैया आज हम उतरे हैं सिंह डेल्टा और भैया खेल रहे हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड। अब भैया यहाँ पर इस वजह से उतरना पड़ा है क्योंकि भैया लोंडे उल्टी सीधी जगह पर उतरते हैं। अब पता है क्यों? क्यों भैया रैंक पुश कर रहे हैं, रैंक पुश। और भैया बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ रहा है इस टाइम पर क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उतरती अच्छी खासी गने मिल जाती है और मेरे मुंह पे एक बंदा गिरता है यार। तो भैया उसके बंदे को हमने फिनिश क्या किया यार, उसको गुस्सा आ गया और हमारे बंदे को नॉक कर दिया। खैर कोई बात नहीं भैया, उसके फूट स्टेप आसपास आ रहे थे, मैं सोच रहा था रिवाइव बाद में करेंगे, पहले बंदे को देखते हैं कहाँ पर है। अब मैं आसपास देख रहा था क्योंकि भैया नेट वेट ना डाल दे इस वजह से, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं होता है बंदा अब करेंगे रिवाइव, क्योंकि भैया नेट डाल देता तो पूरे मैच की ऐसी तैसी पड़ जाती। अब मैं रिवाइव कर देता हूँ। अब भैया एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आज के गेम प्ले में आपको कतई जहर हेडशॉट देखने को मिलेंगे AWM के, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, कतई जहर। और भैया हर जगह शॉट देखने को मिलेगा, मतलब पिछवाड़ा शॉट और भैया हेडशॉट दोनों शॉट देखने को मिलेंगे। अब भैया यहाँ से मैं उठा लेता हूँ अपनी थॉमसन और भैया वो बंदा देखना कहाँ पर गया, उसका बंदा नदिया पार था तो नदिया पार जा रहा था यार। अब भैया तुमने नदिया पार करता हुआ एक बंदा देखा होगा, ये वही बंदा है जिसने मेरे बंदे को नॉक किया था, मतलब अपने टीममेट के पास चला जाता आगे की तरफ, उसकी तो पेटी बना देते हैं। अब भैया आपने खिड़की में थोड़ा सा देखा होगा बंदा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पूरी पेटी बन हुई देख लेना। अब मैं आगे की तरफ जाता हूं और बंदा काफ़ी टाइम में मिलता है यार, पता नहीं कहां चला जाता है। अब यहां पर आगे बोट की फायरिंग आ रही थी, मतलब गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बोट को मारने जा ही रहा था और हाथों हाथ नहीं हाथों हाथ नहीं साथ साथ उसकी भी लोकेशन मिल जाती है यार उस वाले बंदे की। मतलब ये बंदा तो यार कति हानिकारक निकलता है यार, मतलब मेरे बंदे को पूरा ही निपटा देता है। खैर कोई बात नहीं, इसकी पेटी भी बन जाती है और यहाँ पर इनके पूरे स्क्वाड को निपटा देते हैं। और भैया अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो किसी ने नहीं मतलब आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और भैया शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ यार, नया नया चैनल है थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, तो जल्दी से शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर दिया होगा चैनल को। अब भैया आगे की तरफ छुट्टी है फ्लेयर, ठीक है ये सब काम कर देना। अब मैं फ्लेयर की तरफ जा रहा था, अब भैया मैं तो कति फ्लेयर के नीचे आ चुका था, मैं सोच रहा था यार मेरी फ्लेयर है, लेकिन नहीं भाई यहाँ से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं चला जाता हूँ भैया घर की तरफ को, क्योंकि क्या पता कहाँ लेटा है भैया बंदा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ बंदा और दिख भी जाता है यार। और अब मैं यहाँ पर DPP लेकर देख रहा था और आपको इतना फनी मूवमेंट देखने को मिल जाएगा ना, अब देखना बंदा कितनी स्पीड से भागने वाला है। नहीं सही बता रहा हूँ भाई साहब, यही बंदा जाने वाला है Doom 4 के अंदर। इसकी स्पीड देख रहे हो यार, मतलब कार से भी तेज भाग रहा था यार ये बंदा। खैर कोई बात नहीं, नीचे से भी फुट स्टेप आ रहे हैं, मुझे लगा रियल बंदा है, मतलब इस तरीके से फुट स्टेप आ रहे थे हल्के हल्के, लेकिन भैया हमारे बोट चच्चा निकलते हैं तो निपटाते हैं यार। अब मैं बोट चच्चा को निपटाने के बाद कार से जा ही रहा था और इतने में ही, अरे आ जा, आ गया भाई आ गया। नहीं कुछ देर को लगता है बंदा मुझसे फाइट लेगा, इस वजह से मैं साइड को आ गया था, लेकिन भैया बंदे के तो अलग ही रहते हैं, चला जाता है। और यहाँ पर स्प्रे कतई जहर था मेरा, और आगे की तरफ लड़ाई चल रही है भैया, और AWM का शॉट सुनो। और अब पबजी लाइट के नशे देखो, नहीं जितनी गोली मैंने मारी है ना शॉटगन की, इतने में पूरा स्क्वाड निपट जाता। नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई एक बंदा तो निपटना चाहिए था यार। खैर डैमेज रेजिस्टेंस नहीं होता है और यहाँ से AWM लेते हैं। और अब एक से एक बेहतरीन शॉट आपको देखने को मिलेगा, हेड शॉट से लेकर पिछवाड़ा शॉट, मैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, तो अब हेड शॉट की मजी लो यार। नहीं नहीं इस वाले शॉट को छोड़कर कोई भी शॉट मिस नहीं होने वाला है, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई,
अब देखना, पहले शुरुआत करते हैं पिजवाड़े शॉट से, ठीक है। था ना एकदम बेहतरीन शॉट भैया, लाइक टॉक तो अगर पसंद आ गया। अब भैया मैं गाड़ी लेता हूँ, नीचे की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि भैया ऊपर अलग ही दिख रहा था और यहाँ से काफ़ी बेहतरीन एंगल मिलते हैं मुझे। एक सेकंड और रुक जाता ना भाई, मतलब इसकी टपली फूटनी तो तय थी यार। खैर कोई बात नहीं, अब इसका वही वाला बंदा दोबारा आएगा जिसको मैंने नॉक किया था। इस बार नहीं छोड़ेंगे भाई, इस बार पूरा ही फिनिश करेंगे, रिवाइव का मौका ही नहीं देंगे। भैया इस बंदे को तो पूरा फिनिश कर देते हैं। अभी इसके स्क्वाड के और भी बंदे बचे हैं और सामने की तरफ भैया हो जाता है स्मोक और एक बंदा भी निकल कर आता है यार। भाई साहब मतलब थोड़ा सा ही बचा है, एम थोड़ा सा इधर हो जाता तो इसका टपली फूटनी तय थी, मतलब इसकी टपली फूट जाती यार। अब मैं सामने की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर एक से एक बेहतरीन शॉट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पट से दे दबा दब हेड शॉट देखने को मिलेंगे। तो देखो यार, अब इन दो बंदों को मार तो दिया था मैंने, एक बंदे के मैंने बॉडी शॉट दिया था लेकिन वो बच जाता है, और अभी मैं एक बार और कोशिश करता हूँ उसको मारने की। भाई साहब बच जाता है फिर भी। अब यहाँ पर भैया वो जोन से ही ख़त्म हो जाता है, मतलब यार मैं सोच रहा था आगे की तरफ आएगा, एक किल और मिल जाएगा। लेकिन आपको ये हेड शॉट देखकर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ अपना फेवरेट क्लच। और भैया अभी तो मैं आपको बेहतरीन से आगे क्लचेस भी दिखाने वाला हूं, तो उनका भी मज़ा लेना, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिल जाए भैया। तो जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक दो। अब देखो क्लचेस। Kids screaming at those profanities. I see blood and blood and bleach. Crossing up the walls of hell, my cries are angry. I love that fire spreading all around me. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's. Thank you.